मेरा एक स्टूडेंट था अर्णव शंकर, 12th अपीयरिंग स्टूडेंट था, जैसे आप में से बहुत बच्चे हैं। मुझसे उसने क्रैश कोर्स पढ़ा था, लगभग मतलब 50 दिन के आसपास उसने मुझसे क्रैश कोर्स में पढ़ाई की थी। और जब क्रैश कोर्स पढ़ रहा था तो मैंने उसको कहा बेटा ये लगा लो ये लगा लो, तो 12th अपीयरिंग भी था तो थोड़ा उसको टाइम कम मिल पा रहा था, पर वो मेरी बात पूरी सुनी नहीं, कहे सर ये हो जाएगा ये हो जाएगा, पूरा नहीं सुना, थोड़ा बहुत सुना पर पूरा नहीं सुना। पर लड़का बढ़िया था, ब्रिलियंट था, और जितना मैंने बताया उतना उसने किया, उसका रिटर्न क्वालिफाई हो गया, वेरी गुड, SSB गया, रिकमेंड हो गया, ब्रिलियंट, मेडिकल हुआ, मेडिकली फिट हो गया, ऑसम, लाइफ सॉर्टेड, रिटर्न क्वालिफाई किया, मिठाई बांट दी, SSB रिकमेंड हो गया, एक और बार मिठाई बांट दी, मेडिकली फिट हो गया, फिर से मिठाई बांट दी, और फिर 1.5-2 महीने बाद आई मेरिट लिस्ट, और उस मेरिट लिस्ट में वो हो गया मेरिट आउट। और जैसे ही वो मेरिट आउट हुआ, भाई साहब मोराल जो टूट गया उस लड़के का, कह रहा सर अब क्या करें सर, साल भर तो पूरे गांव देहात घर बिहार सब जगह हो गया कि मेरा रिकमेंड हो गया, मैं रिकमेंड हो गया, अब सर क्या करें सर, और अब सर 2 महीने बाकी है NDA को तैयार, अगला एग्जाम को, सर अब मैं उसकी तैयारी करूं सर, वो एकदम दुखी हो गया, और उससे ज़्यादा दुखी मैं हो गया कि बच्चे ने इतनी मेहनत करी थी, मैं इतना खुश था कि 12th के साथ वो लड़का NDA क्वालिफाई कर देगा, क्या मजा आएगा, क्या क्या दृश्य होगा, वो मैं बहुत खुश था, पर मेरिट आउट हो गया, क्या करते। तो फिर समझाया एज अ टीचर मेरा काम सिर्फ ये नहीं है कि जो सिलेक्शन ले लिया उसके बारे में बात करना, जो नहीं लिया उसको मैं जरूर हाथ थामता हूं। आज भी जानते हो बेटा, जो बच्चा रिकमेंड होता है मैं उसे फोन करूं या ना करूं, जो लड़का कॉन्फ्रेंस आउट होता है उसे बात जरूर करता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि सक्सेस हैज मैनी गर्लफ्रेंड्स। अब तो बदलना पड़ेगी कोट, पहले बोलता था सक्सेस हैज मैनी फादर, अब मैं नहीं बोलता, अभी रिसेंटली किस्सा देख लिया है, डर गया हूं अभी तो, मेरा डर नया निकाला है कि सक्सेस हैज मैनी गर्लफ्रेंड्स, फेलियर हैज नन। तो भैया कोई बात नहीं करता फेलियर के बारे में, कोई बात नहीं करता, उस बच्चे को भी उतनी नॉलेज होती है, बस एक छोटी मोटी कोई गलती हुई होती है जिसके में वो आउट हो जाता है, और वो अपने आप को फेलियर मान लेता है और लोग भी उसको मनवा देते हैं, तो लोग तो हैं घटिया, खैर उसको छोड़ो। तो फिर उसको जो उठाया हमें, क्या करना है बताओ, कह रहा सर अब क्या करें, हमने कहा देखो ऐसा है 2 महीने हैं, दबा के तैयारी करेंगे, रिटर्न फिर निकलेगा, और तुमसे मैंने कहा था इतना कर लो, अब मेहनत करते हैं। फिर शुरू की मेहनत, फिर जितने मेरे नोट्स उसे फिर पूरे लगा लिए, और जिस दिन मैंने कहा उससे, ये डायलॉग मुझे आज भी नहीं भूलेगा, मैंने कहा अर्णव तुमसे मैं यही कह रहा था कि ये बुक लगा लो, और अगर तुम इतना लगा लिए होते तुम अच्छा स्कोर करते, मेरिट आउट ना होते, अब तुम तैयार हो, इस बार किसी की औकात नहीं है कि तुम्हें मेरिट आउट करते तुम्हारा रिटर्न स्कोर अच्छा आएगा, ये बोलकर बस वो घर गया, और घर जाते ही उसने मुझे कॉल किया कि सर कुछ इमरजेंसी, लखनऊ का लोकल था, इमरजेंसी है सर आप घर आ सकते हैं। मैं डर गया, मैंने कहा यार क्या हुआ पता नहीं। मैं घर पहुंचा तो कह रहा सर ये देखिए क्या है, एक लेटर पकड़ा दिया मेरे हाथ में, लेटर खोला देखा तो कॉल लेटर था उसका, मेरिट आउट हुआ था पर ऊपर वालों ने छोड़ दिया था, मेडिकली अनफिट हो गया था, कुछ हो गए थे, और उसकी कॉल आ गई थी। आज भी मेरे गूज़बम्स इस पे होते हैं, इसलिए कि यार प्रकृति ने क्या किया, जितनी मेहनत उससे करनी थी उतनी करवा ली और ज्वाइन करा दिया। पर वहीं से मैंने स्लोगन निकाला था कि कट ऑफ नहीं रैंक चाहिए।